प्रिय नवम श्रेणी शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आछ। करोनार मध्य तुम्हारा स्कूले आसते पारतेछो ना, आमराओ तुम्हारे पाठदान दीते पारतेछि ना, एजन्य आज आमी तुम्हारे जन्नो एक कविता कविर जीवनी सम्पर्के तुम्हारे धारणा देव। देख बंगबाणी, बंगबाणी कविताटी के लिखेछेन देख आब्दुल हाकिम। आमरा जानबो आब्दुल हाकिमेर परिचय। आब्दुल हाकिम कत साले जन्मग्रहण करें बोलो दूर तुम्हारा सबाई? 1620 साले, 1620 ख्रीष्टाब्दे सन्दीपर सोधारामपुर ग्रामे आब्दुल हाकिम जन्मग्रहण करें। मध्यजुगे अन्यतम प्रधान कवि आब्दुल हाकिमेर स्वदेश और स्वभाषार प्रति छिल अटूट और अपरिसीम प्रेम। से युगे मातृभाषार प्रति एमन गभीर भालोबासार निदर्शन इतिहासे एक बिरल दृष्टान्त एवं परवर्ती प्रजन्मेर जन्य कालजयी आदर्श। तिनि आमादेर जन्य लिखे गेछेन विख्यात कविता काव्यग्रंथ नूरनामा। तार अनन्य उल्लेखयोग्य काव्यग्रंथ हलो यूसुफ जुलाखा, लालमती, सैफुल मुलुक, शिहाबुद्दीन नामा, नसीहतनामा, नसीहतनामा, कारबाला और शहरनामा। तार कविताय अनुपम व्यक्तित्व परिचय मिले। तिनि जे कवितागुलो लिखे गेछेन ता आमादेर जन्य एकटी परवर्ती प्रजन्मदेर जन्य एकटी उज्जवल दृष्टान्त। तिनि तार कवितार लिखेछेन देख काव्यग्रंथगुलो लिखेछेन यूसुफ जुलेखा। तुम्रा अवश्यई अनेकेई जानो जे यूसुफ जुलेखा एकटी कुरानेर एकटी विख्यात एकटी कि घटना। ये घटना कुराने जरा अनुवाद पढ़े तारा अवश्य ये सम्पर्के तुम्हारा धारणा पे। तार सम्पर्के एक काव्यग्रंथ लिखेछेन बंगबाणी कवितार लेखक आब्दुल हाकिम। आब्दुल हाकिम एक जन मननशील लेखक छिलेन। मध्यजुगे जतगुलो साहित्यिक छिलेन तार मध्ये तिनि छिलेन श्रेष्ठतर मर्यादार अधिकारी। तिनि अनेकगुलो काव्यग्रंथ कविता तिनि रचना करें। तार कवितार अनुपम व्यक्तित्व परिचय मिले। तिनि 1690 साले मृत्युबरण करें। तार जन्म कत साले? 1620 साले। एवं मृत्यु कत साले? 1690 साले। एखन कत साल बोलो तो? 2020 साल। कत बसर हये गेछे? अनेक प्राय 300 बसर। किताब देखो, किताब पढ़ते जार नाहिक अभ्यास। ये बंगबाणी कविताय आब्दुल हाकिम बोलेछेन जे आमादेर किताब पढ़ते अनेके अभ्यास नाई। आछे अभ्यास आछे एमी मुखे बोली किन्तु काजे परिणत करी ना। ताई बोलछे किताब पढ़ते जार नाहिक अभ्यास शेषबे कहिल मुते मने हाबिलास। ते काजे निवेदित बांगला करिया रचन निज परिश्रम तुषी आमी सर्वजन। आसले आमादेर के बर्तमान समाजे जे अवस्था, बर्तमान जुगेर मोबाइल जुगे जे अवस्थाय परिणत होयेछे, ए अवस्थाते कोनो छेले मेये कोनो गल्प बा कोनो उपन्यास, हाँ कोनो नाटक, प्रबंध कोनो किछुई तारा कि करतेछे ना, पढ़तेछे ना, शुधु मुखेर मान अन्यर काछे शुनतेछे एबं शोना कथाय से बोलतेछे। आसले वास्तवे तार कोनो कि नाई, ज्ञान नाई, शिक्षा दीक्षा तार कोनो उपन्यास, इतिहासेर कोनो ज्ञान नाई। अथच आमरा जखन तोमादेर मतो छात्र छिलाम अनेक उपन्यासगुलो पाठागारे आमरा कि हये गेछि, पाठागारे आमरा थेके बोई निये आमरा सेगुलो अनेकगुलो गल्प उपन्यास पढ़े शेष करे फेलेछि। आज आमादेर मोबाइलेर जुग आसाते आमरा एकेबारे लेखापड़ार प्रति उदासीन हये गेछि। এজন্য আজ আমি তোমাদের জন্য যে ভিডিওটি উপস্থাপন করেছি এই ভিডিওটিতে তোমাদের পড়া থাকবে আব্দুল হাকিমের কবি পরিচিতি সম্পর্কে। অবশ্যই আমাদের কবি পরিচিতি সম্পর্কে আমাদের ছোট প্রশ্ন থাকে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলো থাকে যে বঙ্গবাণী কবিতাটি কে লিখেছেন। আব্দুল করিম, আব্দুল হাকিম, আব্দুল জব্বার, আব্দুর রহিম, এই যে এখানে আব্দুল হাকিম। হ্যাঁ আসতে পারে আব্দুল হাকিম কত সালে
পরলোক গমন করেন অর্থাৎ মারা যান কত সালে 1690 সালে 1990 সালে 1790 সালে 1890 সালে এই জন্য আমরা আমাদের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলোকে সঠিক করার জন্য আমরা এই যে কবিতার কবি পরিচয় সম্পর্কে সুন্দরভাবে আমরা কি করব মুখস্থ করে ফেলব এবং যাতে করে আমাদের কোনো প্রশ্নই পরীক্ষায় আসলে আমাদের ছুটে না যায় এর জন্য আমরা খেয়াল রাখব এই বলে আজ আমি আমার এই ভিডিও শেষ করছি তোমরা করোনার মধ্যে ঘর থেকে বাইরে বের না হয়ে ঘরেই বসে আমার এই ভিডিওটি দেখে পড়া কমপ্লিট করে ফেলবে ইনশাআল্লাহ এই বলে আজ আমি আমার শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ